वेलकम गाइस, मेरा नाम है सौर और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि गूगल ड्राइव क्या होता है दोस्तों, और गूगल ड्राइव का क्या यूज़ होता है, और आप उसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए। तो दोस्तों, गूगल ड्राइव वाला जो ऑप्शन होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तो आपके फ़ोन में आता ही है। जब भी आप फ़ोन परचेस करते हो तो आपके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, पर ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि आपको किस लिए इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, अगर आपके फ़ोन आपका फ़ोन हैंग हो रहा है या आपको स्टोरेज प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छी बात है, इसका यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से यूज़ करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, गूगल ड्राइव का यूज़ करने के लिए आपको एक गूगल अकाउंट चाहिए, ठीक है, एक जीमेल अकाउंट चाहिए। और गूगल ड्राइव होता क्या है, ठीक है, गूगल ड्राइव दोस्तों एक ऑनलाइन स्टोरेज होता है। जैसे कि आपके फ़ोन में एक मेमोरी कार्ड डालते हो और उसको यूज़ करते हो, मतलब उसमें आप कोई भी मूवी या सॉन्ग्स होते हैं या वीडियोज़ होते हैं उनको आप उसमें स्टोर करके रखते हो, तो वैसे ही एक ऑनलाइन स्टोरेज है। आपका मोबाइल भी अगर लॉस्ट हो जाता है, कहीं गुम जाता है, फिर भी आप इस स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप इस पे आपकी वीडियो डाल दो, आपकी फ़ोटोज़ डाल दो, जो आपको इम्पोर्टेंट आपके जो फ़ोटोज़ है, जो आपको लाइफ में आगे फ्यूचर में काम आने वाले जो फ़ोटोज़ है, आपको गूगल ड्राइव पे डाल सकते हो। और उसके लिए आपको गूगल ड्राइव का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए और आपका जो ईमेल आईडी वो पार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से गूगल ड्राइव होता है। और यहाँ पे किस तरीके से आपको अपलोड करना है फ़ोटो, यहाँ पे आपको किस तरीके से फ़ोटो को डाउनलोड करना है, MP3 सॉन्ग को अपलोड करना है, मैं सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसकी माई ड्राइव, कंप्यूटर्स, शेयर विथ मी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कराए जाएंगे, मगर आपको इन ऑप्शन में नहीं जाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है, आपको उस आइकन पे क्लिक करना है और आपको फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको पहले तो एक फोल्डर बना लेने होगा जो आप पर्टिकुलर उस पर इन्फॉर्मेशन अपलोड करोगे, ठीक है। मैं मेरे नाम से रख देता हूँ सौरभ, ठीक है, मैंने पहले बनाया हुआ है एक सौरभ नाम से फोल्डर, सौरभ 2 कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। और मैं इस फोल्डर में मेरे फ़ोटो रखना चाहता हूँ, मतलब मेरे फ़ोन का स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर चुका है और वो हैंग हो रहा है, तो मैं अभी इसमें जो सौरभ 2 नाम के फोल्डर में, उसमें मेरे फ़ोटो में अपलोड करूँगा और मेरे फ़ोन के जो फ़ोन के डिवाइस मेमोरी में मैं उससे डिलीट कर दूँगा जब गूगल ड्राइव पर मेरा फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, तो ठीक है। देखिए, तो आपको किस तरीके से अपलोड करना है, देखिए यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और किसी भी एक फ़ोटो को ले लेना है। मैं आपको अभी फ़ोटोज़ में जाता हूँ, एक फ़ोटोज़ को ले लेता हूँ, किसी भी एक फ़ोटोज़ को ले लेता हूँ। मैंने देखिए मेरा ही फ़ोटो ले चुका हूँ और मैं आपको इस ओके दबा रहा हूँ। तो देखिए, फ़ोटो प्रिपेयर हो रहा है और अपलोडिंग के लिए लग चुका है, वेटिंग टू अपलोड इसलिए लग चुका है दोस्तों कि अभी नेटवर्क कनेक्शन मेरा थोड़ा स्लो है, भैया वाईफाई का वेट कर रहा है। अगर उसको वाईफाई मिल जाता है गूगल ड्राइव को, तो वो वाईफाई से भी अपलोड करेगा, मतलब आपके डेटा को जो है, फ़ोन के डेटा को ज़्यादा खर्च नहीं करने देंगे, ठीक है। और आप उस पर आपके फ़ोन के डेटा पर भी, सेलुलर डेटा पर भी चला सकते हो। देखिए, मैंने इस तरीके से फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया। अभी मैं यहाँ पे म्यूज़िक अपलोड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आना है आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पे और मैं ये वाला म्यूज़िक यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अभी ये म्यूज़िक भी यहीं पर अपलोड होने लगेगा। इस तरीके से आपके फ़ोन में जो सारे इम्पोर्टेंट ऑडियो है, वीडियो है, क्लिप्स है, आपके फ़ोटोज़ है, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो और इसको ऑनलाइन स्टोरेज बना सकते हो। आपका फ़ोन गुम जाए या कोई भी बात हो जाए, आपके पास अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड है, तो आपको इस स्टोरेज को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो इसकी बात। और यहाँ पे आपको गूगल देता है 15 GB का फ्री स्टोरेज, ठीक है, 15 GB तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद 15 GB, मतलब 15 GB बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मार्केट में 15 GB की मेमोरी ले जाने जाओ, मतलब 16 GB की मेमोरी अगर आप लेते हो, सॉरी 15 GB की नहीं मिलती है, 16 GB की मिलती है, तो 500 रुपये में मिलती है और ये आपको स्टोरेज फ्री मिल रहा है। अगर आप मेमोरी भी लेते हो, मेमोरी से कंपेयर करते हो, तो मेमोरी जो है अगर आपकी टूट गई तो आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, मगर अगर आपके पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है तो ये डेटा आपका कभी लॉस्ट नहीं होगा, यहीं पे रहेगा आपका डेटा और आप उसको कभी भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि वीडियो ऑडियो किस तरीके से अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए, आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी आप यहाँ पे डाल सकते हो गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू। गूगल शीट्स भी डाल सकते हो, जैसे कि आप एक्सेल में शीट बनाते हो, अगर आपने MS
किया हुआ है तो आपको पता होगा कि एक्सेल में किस तरीके की शीट्स होती है इंपॉर्टेंट, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो भी आप स्कैन करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे आपको 15 GB स्टोरेज मिलता है, वो तो मैंने बता ही दिया है। इसके सेटिंग में जाते हैं और इसके सेटिंग में देखिए, मैंने 15 GB स्टोरेज में से मैंने 22.8 KB ही यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐटो ऐड भी होता है, मतलब जैसे गूगल फोटोज़ में फ़ोटो निकालो तो ऐड हो जाता है, और आप हाथ से भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है, आपके जो गूगल जो आपका डेटा है वो लीक नहीं होगा, बिल्कुल सिक्योर है, लीक तो नहीं होगा और गूगल किसी के साथ शेयर भी नहीं करेगा। ठीक है, और आप जब तक नहीं चाहोगे कि आप इस डेटा को शेयर करो, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा, इस ये तो फोटो अपलोड नहीं हुआ है, देखिए ये फोटो अपलोड है यहाँ पे पहले ही, तो मैं इस फोटो पे क्लिक करता हूँ और इस फोटो को मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ या डाउनलोड करना चाहता हूँ मेरे फ़ोन में। जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा मेरे फ़ोन का या फिर फोटोज़ और मेरे फ़ोन में ही डिलीट कर दूँगा, जब मेरे को काम पड़ेगा तब मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटो मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, और इस फोटो को आप शेयर भी कर सकते हो, शेयर लिंक लेके भी शेयर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, लिंक लेके भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, कॉपी लिंक करके आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, इसकी कॉपी भी भेज सकते हैं और इसको इस फोल्डर से उस फोल्डर में मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई गूगल ड्राइव की खासियत। तो यहाँ पे आप डेटा अपलोड करिए, आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर रहेगा यहाँ पे, और आपका एक स्टोरेज भी मिल जाएगा जो कि ऑनलाइन आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।